नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईबीपीएस गुरु जी और हम देख रहे थे वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स का आज लेक्चर नंबर 6 है। जैसे ही मैंने प्रीवियस लेक्चर सिखाया कि आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया कोई भी नंबर का 11 से, तो आप बोलेंगे सर 111 होगा तो क्या करना है, तो 111 होता क्या करना है उसके लिए ये वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या है 43,152 × 111। अब जब ऐसा मतलब 11 से वाला तो मैंने आपको दिखा दिया, अगर आपने किसी ने 11 वाला मिस किया है तो हमारे रिसेंट वीडियो को जाके चेक कीजिए या फिर प्रीवियस वीडियो को जाके चेक कीजिए, ठीक है। तो अगर 111 से करना है तो क्या करना रहेगा, देखो यूनिट डिजिट को एज इट इज़ रख देना है, तो मैंने 2 को एज इट इज़ रख दिया। फिर क्या करना है, 2 डिजिट का एडिशन करना है, मतलब 5 + 2 क्या होगा 7। अब यहाँ पे एक और स्टेप बढ़ जाता है, आपको तीसरे डिजिट का भी एडिशन करना होता है, 1 + 5 + 2। 1 + 5 क्या होता है 6, और 6 + 2 क्या होता है 8, ठीक है। अब 2 को निकाल देना है और बाकी 3 का एडिशन करना है, मतलब 3 + 1 + 5। 3 + 1 4 होगा और 4 + 5 कितना होगा 9, तो 9 आएगा यहाँ पे। तो अब 5 को निकाल देना है और इन तीनों का एडिशन करना है, 4 + 3 क्या होगा 7 और + 1 = 8। अब क्या करना है, 1 को निकाल देना है और बचे 2 का एडिशन करना है, 4 + 3 क्या होगा 7। अब क्या करना है, 3 को निकाल देना है और बचे 1 को, बचा 1 ही है तो 1 एज इट इज़ रहेगा 4। तो आपका आंसर ये बन जाएगा, है ना, बहुत ही आसान। देखो इसमें कोई डिफ़िकल्टी है नहीं, और ऐसे ही आप कोई भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो तुरंत ही 111 से आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसे कि 318 को 111 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, मैं क्या करूँगा 8 को एज इट इज़ रखूँगा, फिर क्या करूँगा 2 का एडिशन करूँगा, 1 + 8 क्या होगा 9। फिर क्या करेंगे, 3 का एडिशन करेंगे क्योंकि ये 111 है, ठीक है। 3 + 1 क्या होगा 4, और 4 और 8 क्या होगा 12। अब 12 जब बढ़ गया है, सही ना, 12, तो 12 का 2 यहाँ पर रखेंगे और 1 को कैरी फॉरवर्ड में रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 को निकालेंगे और बाकी बचे 2 का एडिशन करेंगे, 3 + 1 क्या होगा 4, और ये 1 कैरी था, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब 1 को निकाल देंगे और बचा 3, तो 3 ही रहेगा यहाँ पे, और आपका आंसर बन जाएगा 35298। आप चाहे तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे 7 एज इट इज़ रखेंगे, फिर क्या करेंगे 1 + 7 क्या होगा 8, 2 का एडिशन करेंगे, फिर क्या करेंगे 3 का एडिशन करेंगे, 5 + 1 = 6, और 6 + 7 6 + 6 = 12 और 1 = 13। 13 का 3 यहाँ पे रहेगा और 1 कैरी फॉरवर्ड में जाएगा जो अगले वाले को मिलेगा। 7 को निकाल देंगे, इन तीनों का ऐड करेंगे, 2 + 5 = 7 और 1 = 8, और 8 और 1 कैरी फॉरवर्ड 9। 9 होगा ना, हाँ 9 होगा। फिर क्या करेंगे, 1 को निकाल देंगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और फिर क्या करेंगे 5 को निकाल देंगे, बचेगा कितना 2, तो आपका आंसर बनेगा 2,79,387, ठीक है। आप बेझिझक कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, और कोई भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो अगर आप 111 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यही करना रहेगा। अब क्या करेंगे 36, अब कोई बोलेगा सर अब करके दिखाओ, मतलब यहाँ पे 36, यहाँ पे 2 ही डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 10 और है आगे मान लेना है, और हम करेंगे यूनिट डिजिट का एज इट इज़ रखेंगे, 6 को एज इट इज़ रख दिया। अब क्या करेंगे, 2 का एडिशन, 3 + 6 क्या होगा 9। अब क्या करेंगे, 3 का एडिशन, 3 का एडिशन में 0 को कैलकुलेट करना है, ठीक है, 0 + 3 + 6 क्या होगा सेम 9। अब 6 को निकालना है, बचा क्या 0 + 3 = 3। अब 3 को भी निकालना है, बचा क्या 0, 0 को ना लिखे तो चलेगा, तो अपना आंसर क्या बनेगा 3996। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, इसका आंसर यहीं बनेगा। फिर क्या करेंगे, 1.35 × 11.1, पॉइंट को अभी इग्नोर करो, डायरेक्ट करो, पहले तो 5 को एज इट इज़ रखेंगे, फिर क्या करेंगे 2 का एडिशन, 3 + 5 क्या होगा 8, फिर क्या करेंगे 3 का एडिशन, 1 + 3 + 5 8 और 1, 1 + 3 = 4, 4 और 5 = 9। फिर क्या करेंगे, 3 को निकाल देंगे, इसका एडिशन 1 + 3 हमने क्या किया था, 5 को निकालना पड़ेगा ना, 5 को निकालेंगे, 1 + 3 क्या होगा 4, फिर 3 को निकालेंगे और 1 एज इट इज़, तो आपका आंसर बन जाएगा 1, 4, 9, 5, 8। और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डॉट था और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो टोटल 3 डिजिट के बाद पॉइंट रखना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 14.985। आप चाहो
तो कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो। और आज के बाद कोई भी नंबर हो, अगर वो 111 से मल्टीप्लाई करना है तो इसी तरह आप सॉल्व करोगे, सही ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे चैनल है, उसको फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं PDFs नोट्स प्रोवाइड करता रहता हूँ, जैसे कि वीकली 100 MCQ, फिर इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स, CMs, गवर्नर्स, ऐसी सारी लिस्ट है। और इंस्टाग्राम पे मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, आप मुझे वहाँ पे कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।